हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मल्टीवर। तो आज बच्चों एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां से बच्चों अपनी शुरुआत हो रही है कैलकुलस की। देखिए मैथ में एक यूनिट होती है, बच्चों कैलकुलस। कैलकुलस को हिंदी में कहते हैं कलन। अब इसके देखिए, ये आपकी सबसे पहले मैं बता दूँ ट्वेल्थ क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ट्वेल्थ क्लास में बेटा ये टोटल 40 मार्क्स की है, और आपको पता है पेपर टोटल आता है 80 का, तो 40 अपॉन 80 का मतलब हो गया कि 50% जो है मार्किंग किसकी रहेगी, कैलकुलस की। तो देखिए अब तक जो मैंने आपको कराया वो क्या क्या था, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी समरी आपको अगर बताऊँ तो देखिए यहाँ पर बच्चों अब तक अपना एक तो हुआ था चैप्टर टू। चैप्टर कौन सा? टू हुआ था बच्चों। तो चैप्टर टू ये ट्रिग्नोमेट्री का था। फिर आपकी एक यूनिट स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था बच्चों मैट्रिक्स एलजेब्रा। मैट्रिक्स एलजेब्रा कहते हैं आव्यूह बीजगणित। इसके दो चैप्टर थे, कौन कौन से? तीन और चार। सही है, तीन और चार। अब आपकी यूनिट स्टार्ट होगी कैलकुलस, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 40 नंबर की आएगी। अब इसके लेकिन इसका काम इतना आसान नहीं है बेटा, इसके कई टॉपिक हैं। टॉपिक वन है इसका सांतत्य, जिसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं। टॉपिक नंबर टू है बच्चों इसका अवकलनीयता। कौन सी नियता? अवकलनीयता। ठीक, ये जैसे कि आप देख रहे हो सांतत्य और अवकलनीयता। अब टॉपिक नंबर जो बेटा थ्री इसमें आएगा वो आएगा अवकलन। कौन सा कलन? अवकलन। ठीक, डिफ्रेंसिएशन। इसका टॉपिक नंबर फोर बच्चों आएगा अवकलन के अनुप्रयोग। इसके अंदर चार पांच टॉपिक अलग अलग हैं, ये एक टॉपिक नहीं है, इसके अंदर जो है छह टॉपिक लगभग हैं, आपके कोर्स में पांच हैं। तो टॉपिक नंबर यहाँ पर सिक्स आएगा बच्चों, टॉपिक नंबर सिक्स ये आपका आएगा समाकलन। कौन सा? समाकलन। और टॉपिक नंबर सेवन आएगा बच्चों समाकलन के अनुप्रयोग, जिसे क्षेत्र कलन कहते हैं, क्वाड्रेचर। ठीक, फिर टॉपिक नंबर आपका एट आएगा जिसका नाम है आपका अवकल समीकरण, डीई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से बच्चों टोटल आठ टॉपिक हैं, और ये आठ टॉपिक कितने नंबर के हैं? 40 नंबर के हैं। और जिन बच्चों ने ये आठ टॉपिक सीख लिए तो आप देख सकते हो कि 80 में से 40 नंबर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको मिल सकता है ना। ये तो चलिए यहाँ से हम टॉपिक वन की आज शुरुआत करेंगे बच्चों, जिसका नाम है टॉपिक वन यानी सतत्ता। तो इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे, क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है इसका, ठीक है, और ध्यान से सीखना बच्चों। तो आज बात होगी सिर्फ इसमें से टॉपिक वन की, सांतत्य की। एक एक करके ये आठों टॉपिक अपने को कंप्लीट करने हैं, और ये 40 नंबर पूरे के पूरे एग्जाम में लेने हैं। क्लियर? तो चलते हैं अपन टॉपिक वन सतत्ता की तरफ। सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं कि सतत्ता होती क्या है। सतत्ता या सांतत्य, ये ध्यान रहे एक ही चीज़ है, ये कोई अलग अलग नहीं है, है ना। सतत्ता कोई स्टूडेंट दूसरे वर्ड में सांतत्य कहते हैं इंग्लिश में, इसी का नाम कंटिन्यूटी होता है। कंटिन्यू चलना यानी लगातार चलना। जैसे देखिए एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, जैसे ये कोई ग्राफ है साइन एक्स का, आपने इलेवेंथ में साइन एक्स का ग्राफ बनाया होगा। अब आप देख रहे हो ये हर बिंदु पर क्या चल रहा है, लगातार चल रहा है, यानी बीच में टूट नहीं रहा। तो इसका मतलब साइन एक्स एक कैसा फलन हो जाएगा, हर बिंदु पर सतत फलन होगा। और इसका जो लगातार चलने की ये क्वालिटी है, इसी क्वालिटी को सतत्ता या सांतत्य या कंटिन्यूटी कहते हैं। अब इसके विपरीत एक ऐसा ग्राफ है, मान लो सपोज दैट, जैसे कि मैं कोई ग्राफ ले रहा हूँ, सपोज दैट यहाँ पर आपका ग्राफ ले लेते हैं, चलिए महत्तम पूर्णांक फलन जी आई एक्स का। अब ये जो ग्राफ होता है बच्चों ये किस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह से चलता है, जैसे ये है मान लो, ये ऐसे टूटी हुई लाइंस में चलता है, ये टूटी हुई लाइंस में चलता है ये ग्राफ। तो आप देख रहे हैं बीच बीच में टूट रहा है, तो
तो टू ट्राई, इसलिए ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे, इन बिंदुओं पर असतत कहेंगे। जहाँ पर ये टू ट्राई उन बिंदुओं पर इसको असतत कहेंगे। असतत का मतलब बच्चों होता है डिसकंटिन्यूअस। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो कहने का सीधा मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ लगातार चलता रहेगा वो सतत, और जो टूट के चलेगा वो असतत। अब आप कहोगे तो क्या सर इस चैप्टर में ग्राफ बना के चेक किया जाएगा कि कौन सतत है और कौन असतत है? नहीं बेटा, इसको ऐसे चेक नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक मेथड होता है जिसको कॉशी रूल कहते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए कि अगर किसी फंक्शन की आर एच एल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। ये कोई नया वर्ड नहीं है बच्चों। जिन्होंने भी 11th में 13वां चैप्टर पढ़ा होगा अवकलन, उनको पता होगा कि ये 11th में था। इसको हिंदी में कहते हैं दाई सीमा, ठीक। इसे निकालते कैसे हैं बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक। इस फॉर्मूले से आप किसी भी फंक्शन की पहले क्या निकालेंगे, आर एच एल। ये देखो बिना ग्राफ के तरीका बता रहा हूँ आपको कि कैसे चेक करोगे। आर एच एल आ गई आपकी, फिर आप क्या निकालोगे, एक एल एच एल निकालोगे। एल एच एल कि अब ये एल एच एल क्या भाई? एल एच एल है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी फलन की बाई सीमा। कौन सी सीमा बच्चों? बाई सीमा। अब ये बाई सीमा क्या होती है, देखिए एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। ये फॉर्मूला होता है बाई सीमा का, और ये भी कोई बच्चों नया नहीं है, 11th का ही है। इसके बाद एक वैल्यू निकालते हैं बेटा एफ ऑफ ए कि ये एफ ऑफ ए क्या होती है, इसे कहते हैं फंक्शनल वैल्यू, यानी फलन का मान। अब ये तीन चीज़ निकालनी है आपको, एक तो आर एच एल, एक एल एच एल और एक एफ ऑफ ए। ये जनरली हर क्वेश्चन में निकालनी पड़ेंगी, क्लियर। और अब बिना ग्राफ के अगर कोई ये चेक करना चाहता है कि फंक्शन सतत है या असतत, तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं सततता की शर्त, यानी केस फॉर कंटिन्यूटी। ये क्या होती है, देखिए अगर किसी फंक्शन में आर एच एल, एल एच एल और एफ ऑफ ए अगर ये तीनों इक्वल हों तो वो फंक्शन माना जाएगा कंटिन्यूअस। अब आप कहोगे किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस माना जाएगा, वो माना जाएगा एट एक्स इक्वल ए, क्योंकि आपने ए पर ही चेक किया है, क्लियर। इस तरह से अब हमेशा ये ध्यान रहे कि फंक्शन सततता के हिसाब से कई तरीके के होते हैं। जैसे कुछ फलन तो ऐसे होते हैं जो हर बिंदु पर सतत होते हैं, जैसे साइन एक्स है। अब साइन एक्स हर बिंदु पर सतत होता है, पूरे आर यानी सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत होता है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कभी तो सतत होते हैं कभी असतत भी होते हैं, जैसे लॉग एक्स है। अगर आप इसकी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर चेक करेंगे जब तो ये सतत आएगा, लेकिन अगर आपने इसे जीरो से छोटी नेगेटिव पर चेक किया तो ये असतत आएगा। यानी आप देख रहे हो कुछ फलन तो हमेशा सतत होते हैं जबकि कुछ बिंदु के हिसाब से सतत होते हैं, है ना। जैसे कि ये धनात्मक मान पर सतत है और ऋणात्मक पर असतत है। तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा इससे आर एच एल, एल एच एल और किससे, एफ ऑफ ए से, क्लियर बच्चों। तो चलते हैं देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है। तो ये तो थी बेसिक बात, अब बाकी चीज़ें आप समझोगे सीधे क्वेश्चन से, ठीक। पूरे चैप्टर में हमें ढंग से देखना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। देखो पहला क्वेश्चन, सिद्ध करो कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स इक्वल जीरो माइनस तीन और पाँच पर सतत है। तो इसमें बच्चों तीन पार्ट हैं क्वेश्चन के, कितने पार्ट हैं, तीन। पार्ट वन में तो बच्चों वो कह रहा है कि एक्स इक्वल जीरो पर आपको चेक करना है। फिर पार्ट टू में वो कह रहा है आपसे कि एक्स इक्वल माइनस थ्री पर आपको चेक करना है। और पार्ट थ्री में वो कह रहा है कि एक्स इक्वल फाइव पर। ये ध्यान रहे हर क्वेश्चन का जरूरी नहीं है कि तीन तीन पार्ट हों, है ना। अब ये तो क्वेश्चन के हिसाब से कितने भी हो सकते हैं।
जैसे ही कोई बिंदु आपको दिया जाए बेटा, तो उसको ये ध्यान रहे पहले ए की जगह लिखना है। किसकी जगह? ए। जहाँ भी फॉर्मूले में ए आएगी वहाँ पर ये लिखना है। अब आपको तीन वैल्यू निकालनी होती हैं। देखिए स्टेप वन, स्टेप वन में पहले आपको एफ ऑफ ए निकालना है, ठीक। अब ए की वैल्यू क्या है? जीरो। आप कहोगे जीरो का क्या करना है? ये जो जीरो है, देखो एफ के अंदर जो भी मान आएगा ब्रैकेट में उसे एक्स की जगह फलन में रखना है। तो फाइव इंटू एक्स की जगह क्या आएगा बच्चों? जीरो और माइनस में तीन। तो ये पाँच का इंटू जीरो में क्या हो रहा है? जीरो। जीरो माइनस तीन यानी क्या हो गया? माइनस तीन। ये एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई, सही है। अब आप चेक करोगे किसे बेटा? आर एच एल को। तो आर एच एल का क्या फॉर्मूला है? देखिए एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए की ये रही, अभी आपने निकाली थी ए की वैल्यू क्या थी? जीरो। तो चलो जीरो प्लस जीरो, ये ध्यान रहे इसको जोड़ना नहीं है, ये केवल एक इंडिकेशन होता है आर एच एल का। आर एच एल का मतलब तो समझ गए ना, दाई सीमा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो देखते जाना आराम से। ए की वैल्यू बच्चों क्या रखनी है? ये रही जीरो प्लस में एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब आप देख सकते हो एफ ऑफ जीरो प्लस एच है, तो जीरो और एच को आप ऐड करोगे क्या होगा? एच आएगा, ठीक। क्या आएगा? एच। अब ये एच अपने को कहाँ ले जाना है बच्चों? ये एच, ये एच कैसी वैल्यू है? ये है जीरो से ज़्यादा, ठीक। तो आप इस, मैंने क्या बताया था, ए फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी उसे डायरेक्ट अपने को इसमें रखना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। आर एच एल क्या है बोल रहा है बताइए? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच, है ना। तो अब इसमें मैंने क्या बताया था, एफ के अंदर जो भी वैल्यू बच्चों आएगी वो अपने को किसकी जगह रखनी है? एक्स की जगह पर। चलिए लिमिट अपनी जगह पर बनी रहेगी। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच यानी फाइव एच माइनस थ्री। अब यहाँ करते क्या है, देखो एक आध क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो ध्यान से देखना, जब एच की वैल्यू जीरो रखोगे आप तो फाइव इंटू जीरो क्या हो गया? जीरो माइनस थ्री एंड ये हो गया माइनस थ्री। अब अगर एफ ओफ ए भी माइनस थ्री आ रहा है और आर एच एल भी माइनस थ्री आ रहा है तभी आपको आगे चलना है, और अगर यही बराबर नहीं आ रहे होते तो अपने को आगे नहीं चलना था, ठीक। चलिए अब एल एच एल देख लेते हैं। एल एच एल, एल एच एल का फॉर्मूला बच्चों होता है एफ ओफ ए माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ओफ ए माइनस एच। तो आप ये देखो ए कितना है? ए, ए है जीरो। जी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो में से एच माइनस करोगे माइनस एच आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, जो भी एफ के अंदर वैल्यू आए वो कहाँ ले जानी? फंक्शन में। फंक्शन क्या था? ये रहा फाइव एक्स माइनस थ्री। तो इसमें जब एक्स की जगह आप ये माइनस एच रखोगे तो क्या होगा? फाइव इंटू माइनस एच माइनस थ्री, ठीक है ये। चलिए अब लिमिट एच की जगह जीरो रखेंगे तो फाइव इंटू जीरो क्या हो गया? जीरो। जीरो में से थ्री गया माइनस थ्री। अब आप देख सकते हो एफ ऑफ ए भी माइनस थ्री है, आर एच एल भी माइनस थ्री है, एल एच एल भी माइनस थ्री है। तो अगर सभी इक्वल आ रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल माइनस थ्री। इसका मतलब है कि फंक्शन एक्स इक्वल, ये सॉरी फंक्शन जीरो पर, जीरो पर, जीरो पर चेक किया है, जीरो पर, ठीक। माइनस थ्री पे तो अब हमको चेक करना है। चलिए अब है पार्ट टू बेटा, ध्यान से देखना पार्ट टू। पार्ट टू में अपने को एक्स इक्वल माइनस थ्री पर इसी फंक्शन की सतत्ता चेक करनी है। देखना ध्यान से कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था एफ ऑफ ए निकालते हैं जिसे फंक्शनल वैल्यू या फलन का मान कहते हैं, फंक्शनल वैल्यू या फलन का मान। तो देखिए अब यह करना क्या है, जैसे ही आप ये वैल्यू लोगे तो ए की वैल्यू कितनी है? माइनस तीन। इसको आप ले जाके फंक्शन में एक्स की जगह रखेंगे, ठीक। तो एक्स की जगह माइनस थ्री रखो, फाइव इंटू माइनस थ्री और ये माइनस थ्री, तो माइनस का ये फाइव का थ्री में फिफ्टीन हो गया बच्चों, और माइनस के पंद्रह और तीन हो गए अठारह। अब यहाँ चलते हैं सीधे आर एच एल की तरफ। आर एच एल क्या है भाई?
एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, सही है ना। चलिए ए की वैल्यू डाल दो, क्या बच्चों ए की वैल्यू ये रही माइनस थ्री प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस थ्री प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ध्यान देना थोड़ा टाइम लगता है इसमें क्योंकि तीन पार्ट हैं इसलिए। अब ये जो एफ के अंदर माइनस थ्री प्लस एच है इसे कहाँ ले जाओगे बेटा, फंक्शन में एक्स की जगह पर। चलिए फाइव इंटू माइनस थ्री प्लस एच और माइनस के थ्री। अब जैसे ही आप यहाँ लिमिट लगाओगे तो एच की जगह जीरो हो जाएगा, तो फाइव का इंटू थ्री में करोगे तो माइनस का फिफ्टीन हो गया और ये माइनस का थ्री है तो ये आपका माइनस के एट्टीन आ गए। अब आप देख रहे थे कि एफ ऑफ ए भी माइनस एट्टीन आया था और आर एच एल भी माइनस एट्टीन आया है, ठीक है। ध्यान से देखना आप आगे क्या करना। तो अब बात कर रहे हैं अपन बेटा एल एच एल की। एल एच एल क्या, देखो एफ ऑफ ए माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। तो वही ए की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस तीन पे चेक कर रहे हो तो माइनस तीन है। देखना अभी एक दो क्वेश्चन होंगे फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कब क्या होना है। अभी एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ी हेजिटेशन होगी। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस थ्री और ये माइनस एच चल ही रहा है, ठीक है। ये माइनस थ्री माइनस एच जो होता है बेटा इसको एक्स की जगह रखना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा उसे आप बिना कुछ देखे सीधे एक्स की जगह रखो। लिमिट अभी चलती रहेगी है ना, ये लिमिट बाद में लगाते हैं, ये ध्यान रहे। माइनस थ्री माइनस एच, चलो एक्स की जगह लगा दो, फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस एच और ये माइनस का तीन चल रहा है। जैसे ही मैं ये लिमिट लगाऊंगा तो एच बेटा जीरो में जाएगा, फाइव का इंटू माइनस थ्री में हो गया माइनस के फिफ्टीन और ये माइनस के थ्री, तो फिफ्टीन और थ्री माइनस के हो गए एट्टीन। तो आप देख सकते हो ये हो गया एफ ऑफ ए, ये हो गया आर एच एल और ये हो गया एल एच एल। और क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस सतत। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, फलन एक्स इक्वल माइनस थ्री पर सतत है, और इंग्लिश में कहें तो कैसे कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल माइनस थ्री। चलिए अब पार्ट थर्ड की बात कर लेते हैं। पार्ट थर्ड में बच्चों आपको किस पर चेक करना है, फाइव पर। अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या किया जाता है ना। तो फिर से बात वही है, पहले एफ ऑफ ए निकालते हैं, तो ये कितना है पाँच, और जो भी ए की वैल्यू होती है या जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा, बस आपको ये याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो आएगा उसे एक्स की जगह लगाना है। तो ये फाइव को वहाँ लगाओगे तो फाइव इंटू फाइव माइनस थ्री, तो फाइव इंटू फाइव क्या हो गया ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव में से थ्री जाएगा ट्वेंटी टू हो गया। अब चलते हैं सीधे बच्चों आर एच एल की तरफ। आर एच एल की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक। तो यहाँ ये बताओ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है फाइव प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और यहाँ एफ ऑफ ए की वैल्यू है फाइव प्लस एच। तो यहाँ बच्चों देखना ध्यान से, फाइव प्लस एच कैसी वैल्यू है, फाइव प्लस एच आपको पता है कि अंदर है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होगी वो तुरंत किसकी जगह जाएगी, एक्स की जगह। चलिए देखते हैं फाइव इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये देखिए फाइव प्लस एच और माइनस के थ्री, लिमिट यूज करेंगे एच की जगह जीरो हो जाएगा, फाइव का फाइव में ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री यानी ट्वेंटी टू हो गया, ये हो गई आर एच एल। अब बात किसकी करनी है बताइए, एल एच एल की करनी है। एल एच एल का क्या फॉर्मूला है, एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। अब तो ये फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा। तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, ए की वैल्यू पाँच है क्योंकि पाँच पे ही तो आप चेक कर रहे हो, पाँच है। चलिए तो ये आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, फाइव माइनस एच। अब आप देख सकते हो कि फाइव माइनस एच को अपन कहाँ रखेंगे, ले जाके
फंक्शन में एक्स की जगह पर, ये रहा फंक्शन 5x-3, तो इसमें रख दो एक्स की जगह कितना है 5-h और ये माइनस का 3। लिमिट यूज करेंगे तो h जीरो में जाएगा। यहाँ देखना, जैसे लिमिट h टेंड्स टू जीरो है तो यहाँ h की जगह जब मैं जीरो लगाऊंगा तो 5 × 5 क्या होगा 25-3 यानी 22। और अब आप देख सकते हो कि एफ ऑफ ए भी वही है, आर एच एल भी वही है और एल एच एल भी वही है, तो तीनों इक्वल हैं। तो आप लास्ट में लाइन क्या लिखोगे बेटा कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल 5 पर कैसा है, संतत है। ये ध्यान रहे संतत है या सतत है वो एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ये तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब ये बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि इसके तीन पार्ट थे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखिए एक्स इक्वल 3 पर फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x²-1 के संतत की जांच करो। अब ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि आप देख रहे हो केवल एक ही वैल्यू दी है, तो आपको पता है संतत या सततता की जांच कैसे होती है बच्चों। पहले एफ ऑफ ए निकालते हैं, तो ये कितना है यहाँ पर ए, ये रहा एक्स की जो वैल्यू दी होती है उसे एक ही जगह लिखते हैं, तो एफ ऑफ 3 है। अब इस 3 को एक्स की जगह इस फंक्शन में डाल दो तो 2 × 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस 1, तो 9 × 2 क्या हो गया 18, 18 में से 1 गया आपका 17 आ गया, ठीक। ये 17 ये एफ ऑफ ए हो गया। अब एफ ऑफ ए के बाद बच्चों आपको निकालना है आर एच एल और एल एच एल, और वो भी क्या आना चाहिए, वो भी 17 आना चाहिए, है ना। कैसे देखिए, नहीं समझ पाए हो तो ध्यान से देखना। आर एच एल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, 3 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। आप ये देखो ये जो 3 प्लस एच दिख रहा है इसको कहाँ ले जाना है, एक्स की जगह यहाँ फलन में ले जाना है। चलिए ले आओ 2 × x की जगह कितना बताइए 3 प्लस एच ऊपर स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे एच की जगह 0 रख दो, तो एच की जगह 0 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 9 × 2 हो गया 18-1 यानी 17। ये बेटा हो गई आपकी आर एच एल, और आप देख रहे हो एफ ओफ ए भी 17 आया था, आर एच एल भी 17 है। अब एल एच एल भी अगर 17 आ जाए तो हम इसको सतत कह देंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो एल एच एल का फॉर्मूला बता दो बच्चों क्या होता है, एफ ऑफ ए माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू है 3, और ये चली रहा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3-h, ठीक है, ये 3-h। अब यहाँ पर बच्चों देखना करना क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 3-h ये ब्रैकेट में है, और मैंने बताया था ब्रैकेट में अगर कोई मानो उसको कहाँ रखना है बेटा, ले जाके उसे x की जगह रखना है, तो 2 × x की वैल्यू कितनी रखोगे 3-h और ऊपर स्क्वायर माइनस 1। चलिए अब ये h की जगह 0 लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18 माइनस 1, ये आपका 17 हो गया। और तीनों क्योंकि बराबर हैं तो आप यहाँ क्या लिख देंगे लास्ट में कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 3, यानी फलन एक्स इक्वल 3 पर क्या है, सतत है। और इस तरीके से पूरा क्वेश्चन अपने को कवर अप करना होता है, ठीक बेटा। ये चलते हैं आगे, ध्यान से देखना। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न फलनों के संतत की जांच करो। अब जो तीसरा क्वेश्चन आएगा बेटा उसके 4 पार्ट आएंगे, कितने पार्ट आएंगे 4, है ना। ये ध्यान से देखना, तो पहला है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 5। अब आप कहोगे सर वैल्यू तो दी नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में वैल्यू दी थी कि एक्स इक्वल 3, है ना। इस तरीके से जब वैल्यू नहीं दी हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह कोई वैल्यू ले लो, जैसे सी ले ली मैंने। अब आप कहोगे सी क्या है, सी बिलोंग्स टू आर, सी बिलोंग्स टू आर का मतलब सी कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक। तो लेट एक्स इक्वल सी, लेट मीन्स माना एक्स इक्वल सी है और सी कोई रियल नंबर, ऐसे कब लिखना है जब कोई वैल्यू नहीं दी हो, है ना।
अब देखते हैं इसकी क्या जांच हो सकती है बच्चों। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर अपन f ऑफ e निकालते हैं, f ऑफ e, ठीक। देखो इसके बाद में दूसरा मेथड भी बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए तो डायरेक्ट किस तरह करना है। अभी मैं आपको मेथड वन बता रहा हूँ। देखिए f ऑफ a, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, x का जो मान होता है वो a होता है, ये c है, तो ये हो गया c माइनस फाइव। चलिए अभी इसको यहीं छोड़ दो। अब आर एच एल की बात कर लेते हैं। आर एच एल का क्या फॉर्मूला भाई, f ऑफ a प्लस जीरो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h। तो f ऑफ a प्लस जीरो, a कितना है बेटा, a अभी आपने देखा x का मान c है तो वो a की जगह रख दो। c प्लस जीरो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ c प्लस h। अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो, c प्लस h ये बताओ किसकी वैल्यू है, ये ब्रैकेट के अंदर की जो भी वैल्यू हो उसे सीधे x की जगह रख दो। तो x की जगह जब आप रखोगे c प्लस h माइनस फाइव, तो चल ही रहा है बच्चों, तो यहाँ लिमिट यूज करेंगे तो h जीरो में जाएगा, यहाँ बचेगा c माइनस फाइव। और आप देख रहे हो f ऑफ a भी c माइनस फाइव है, आर एच एल भी c माइनस फाइव है। ये ध्यान रहे, आगे अपने को तभी बढ़ना होता है जब ये दोनों बराबर आएँ। अगर मान लो कहीं एफ ऑफ ए और आर एच एल ही बराबर नहीं आए तो फिर आगे चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अब एल एच एल निकाल लो। क्या है एल एच एल, एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। तो चलिए ए की वैल्यू बच्चों क्या बताई थी, सी, सी माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच। अब आप ये बताओ कि ये जो c माइनस एच है ये किसकी जगह लगाना है, x की जगह, तो चलो यहाँ x की जगह ले आओ। क्या है x, c माइनस एच और ये माइनस का पाँच, तो लिमिट यूज करेंगे तो h तो जीरो में जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा c माइनस पाँच। अब आप देख रहे हो f ऑफ a भी c माइनस फाइव है, आर एच एल भी c माइनस फाइव है और एल एच एल भी c माइनस फाइव है। तो ये तीनों वैल्यू c माइनस फाइव है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा किस पर, x इक्वल c पर, और c का मतलब है रियल नंबर है। तो यानी ये फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि हर वास्तविक संख्या पर सतत है। अब आप कहोगे सर वो ट्रिक आप बता रहे थे, ट्रिक देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन किसी कंपटीशन में आ जाए तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस फाइव है, x में देखिए जब कोई फंक्शन होता है चाहे x हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, इस तरीके का, तो इसको बच्चों कहते हैं बहुपदीय फलन। क्या कहते हैं, बहुपदीय फलन। और ऐसे जो बहुपदीय फलन होते हैं हमेशा ध्यान रखना ये r यानी हर वास्तविक संख्या पर सतत होते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई ये कहे कि x स्क्वायर जो है वो x इक्वल पाँच पर कैसा होगा, तो एक्स स्क्वायर एक बहुपदी फलन है, तो ये आप चेक करके देख लेना, ये 100% बिना जांच किए सतत ही होगा। अब आप कहोगे तो सर क्या ये जांच नहीं करना ज़रूरी है, ये बेटा स्टेट बोर्ड में तो पूरे मेथड से करना पड़ता है, तो वहाँ तो जांच भी, ये वहाँ तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कंपटीशन में आपको ऑप्शन केवल देखना होता है तो वहाँ आप ये ट्रिक्स लगा सकते हो। क्लियर, चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल वन अपॉन एक्स माइनस फाइव दिया और ये कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइव नहीं लेनी है। अब ये क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप फाइव लोगे तो फाइव माइनस फाइव क्या होगा, जीरो, और वन अपॉन जीरो बेटा इन्फिनिटी होता है। तो एक्स की वैल्यू फिर अब की बार फिर से वही सी माननी है, ठीक। ये कोई पूछे सी क्या है, कि सी बिलोंग्स टू आर है, यानी सी कोई वास्तविक संख्या है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें फाइव को नहीं लेना है। तो यानी हमें जांच करनी है x इक्वल सी बिलोंग्स टू आर माइनस फाइव पर। तो देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले वही तीन वैल्यू, पहले f ऑफ a है ना, f ऑफ a, f ऑफ a कैसे निकालेंगे, f ऑफ a है आपका वन अपॉन x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू c है, ठीक, और यहाँ माइनस के फाइव है। चलिए ये तो एफ ऑफ ए हो गया। इसके बाद आपको पता है क्या निकालना होता बच्चों, आर एच एल, क्या फॉर्मूला आर एच एल का, एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ ऑफ
ए प्लस एच, तो ए की वैल्यू कितनी मानी आपने, सी ली है, सी प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ ये जो एरो लगा हुआ है, ये एरो, इस एरो को बेटा क्या बोलते हैं, इस एरो में कई बच्चे बोलने में गलती करते हैं, इसको कहते हैं टेंड्स टू, क्या कहते हैं, टेंड्स टू, ठीक, इसको बोलने में गलती नहीं करनी है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए कितना बच्चों, ए है सी, अब ये सी प्लस एच ब्रैकेट के अंदर है, मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट के अंदर जो भी हो उसे कहाँ रखना है ले जाके, उसे रखना है बेटा अपने को सीधे यहाँ एक्स की जगह पर। चलिए सी प्लस एच और माइनस के कितने हैं, फाइव, लिमिट आप यूज करोगे तो एच की जगह जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा सी माइनस फाइव, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब बात किसकी कर रहे हैं, एल एच एल की कर रहे हैं, है ना, एल एच एल का क्या फॉर्मूला है, एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू। तो चलिए बच्चे एक बार और समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन को, क्या है देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल वन अपॉन ए, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव। अब यहाँ देखो हमने कोई भी रियल नंबर लिए, लेकिन बच्चों फाइव को क्यों नहीं लिया, क्योंकि फाइव को रखते ही फाइव माइनस फाइव वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए, है ना। तो अब अपन इस वैल्यू के लिए जांच कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैंने जब देखा तो x की जगह जैसे ही मैं c रखूँगा तो f ऑफ a, ये आपका हो गया, ये आपकी आर एच एल निकल आई। अब आर एच एल के, वो सॉरी एल एच एल के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, f ऑफ a माइनस जीरो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h, यही था बच्चों। तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू कितनी है आपकी c, तो c माइनस जीरो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ c माइनस h। अब आप जानते हो ये बेटा c माइनस h कहाँ जाएगा आपका, x की जगह पर, तो ये आपका हो गया c माइनस h माइनस फाइव। अब लिमिट लगाएंगे तो h तो जीरो हो गया और यहाँ बचा वन अपॉन c माइनस फाइव। तो आप देख सकते हो एफ ऑफ ए आर एच एल एंड एल एच एल बराबर है, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी फलन सतत है। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और अपने को ध्यान देने की है, देखिए क्या, इधर समझना, एक चीज़ और समझने की है कि इसको आप एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, ये उसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना। देखो हमेशा कोई भी फंक्शन जो इस तरह का है, जैसे कि मान लो वन अपॉन पी ऑफ एक्स इस तरीके का है, या वन अपॉन पी ऑफ एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल, कोई बहुपद, और ऐसी वैल्यू दी हुई है जिसमें कि पी ऑफ एक्स नॉन जीरो है, यानी आपको ऐसी वैल्यू दी है जिसके लिए पी ऑफ एक्स अशून्य है, तो हमेशा ध्यान रखना फिर बाकी जितने भी वैल्यू होंगी उनके लिए पी एक्स कंटिन्यूस होगा। जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ आपको पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या दिया था, एक्स माइनस फाइव, अब ये केवल फाइव पर ही असतत हो सकता है, क्योंकि फाइव इसको वन अपॉन जीरो करके इन्फिनिटी बना रहा है, लेकिन फाइव के अलावा बाकी मानों पर ये सतत होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। जैसे ही इसने फाइव को कैंसिल किया, जैसे ही इसने ये कहा कि भाई हमको फाइव नहीं चाहिए, तो फिर ये अपने आप बाकी मानों के लिए आपने देखा क्या हो गया, कंटिन्यूस यानी सतत। क्लियर, आगे चलते हैं बेटा, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो थोड़े कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर होता है, अपॉन में क्या चल रहा है, x प्लस फाइव, तो यहाँ आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव, है ना, और अपॉन में क्या चल रहा है, x प्लस फाइव, तो ये आपका कैंसिल हो गया बच्चों और वहाँ बचा x माइनस फाइव, यही बचा आपका क्या हो गया, x माइनस फाइव। अब इसके लिए आप चेक करेंगे, अब यहाँ आप देख रहे हो कि x माइनस फाइव कोई अपॉन में तो है नहीं, तो ये कोई वन अपॉन जीरो करके इन्फिनिटी तो बनेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ हम x की जगह जो है वो c बिलोंग्स टू r ले सकते हैं। पिछली बार जैसे आपने देखा r में से 5 को हटाया था, लेकिन अब कुछ भी हटाने की बेटा ज़रूरत नहीं है। क्लियर, ये चलिए आगे देख रहे हैं, यहाँ पर अब हाँ तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले आपको पता ही है एफ ऑफ ए निकालेंगे, फिर आर एच एल और फिर एल एच एल, ठीक, तीनों बराबर आनी चाहिए। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, सी,
इस सी का क्या करना है, फंक्शन में एक्स की जगह रखना है, तो सी माइनस फाइव हो गया। आरएचएल देख लो, आरएचएल, आरएचएल का फॉर्मूला क्या बताया था, एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, सी है। और यहाँ देखते हैं क्या कंडीशन है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच। अब आप ये बताओ बच्चों कि सी प्लस एच कैसी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की जगह रख दो किसमें, फंक्शन में, ये रहा फंक्शन, एक्स की जगह क्या रख देंगे, सी प्लस एच, और माइनस फाइव चल रहा है, एच टेंड्स टू जीरो तो एच की जगह तो गया जीरो, ये आपका बच्चों हो गया सी माइनस फाइव। ठीक है, एल एच एल में चलते हैं, एल एच एल क्या है, एल एच एल के लिए फॉर्मूला यही रहता है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाती है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, सी। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच हो जाएगा। अब ये सी माइनस एच बताओ कहाँ रखना है बेटा, एक्स की जगह फंक्शन में रखना है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सी माइनस एच माइनस फाइव, तो एच गया जीरो में, बचा सी माइनस फाइव, तो ये और ये बराबर है, तो लास्ट में लिख देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी फलन कैसा है बच्चों, सतत है, बिल्कुल क्लियर है। सीधे आगे चलते हैं, अगला फंक्शन है बच्चों एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस फाइव मॉड में। देखो अगर अपन जनरली, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखो आप, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो आप देखोगे इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से एक्स अक्ष को काटता हुआ जाएगा, और कितने पर काटेगा आप ये देखो, फाइव को रखने से ये जीरो हो रहा है, यानी फाइव कोमा जीरो पर काटेगा। तो आप देख रहे हो इसका ग्राफ बीच में से कहीं टूट रहा है बेटा, और नहीं टूट रहा है, इसका मतलब ये 100% क्या होगा, सतत होगा। तो अगर किसी भी कंपटीशन में बात आ जाए तो हम इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ अपने को पूरा करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी बेटा वही है, एक्स की जगह अपन सी मान लेते हैं, सी कोई पूछे क्या है, सी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट और आर का मतलब रियल, यानी ये कोई नियतांक मान रहा हूँ मैं जो कि वास्तविक है। ठीक बेटा, तो देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले एफ ऑफ ए, फिर बच्चों आर एच एल, और फिर एल एच एल। तो एफ ऑफ ए उसके लिए क्या करें, आप ये देखो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सी। चलिए अब एफ ऑफ सी निकालने के लिए इसमें मॉड में रख दो, सी माइनस फाइव ही आ गया। अब आर एच एल का फॉर्मूला देखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रही सी, प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच। तो यहाँ सी प्लस एच को कहाँ रख दें बेटा, यहाँ एक्स की जगह पर। चलिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड सी प्लस एच माइनस फाइव, तो एच तो गया जीरो में, यहाँ बचेगा मॉड सी माइनस फाइव। तो आप देख रहे हो दोनों वैल्यू सेम है। एल एच एल का फॉर्मूला बता दो बच्चों, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब आप देख रहे होगे स्मूथली काम चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, एक दो क्वेश्चन जैसे ही आप करोगे फिर आपको आइडिया लगने लग जाएगा। बच्चों ए की वैल्यू कितनी है बता दो जल्दी, ये तो वही है सी। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ ऑफ सी माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच है, कहाँ रखना है सी माइनस एच, एक्स की जगह पर। चलिए सी माइनस एच माइनस फाइव। अब आप जब यहाँ लिमिट लगाओगे तो एच तो जीरो में जाएगा, मॉड सी माइनस फाइव। तो आप देख रहे हो तीनों बराबर हैं, यानी फंक्शन सतत है, जो कि ग्राफ से ऑलरेडी अपने को पता चल गया था। आगे चलते हैं, ध्यान से यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ आपको दिया है x की पावर n, और n क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। देखो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स क्यूब प्लस टू, इस तरीके की कुछ भी बात आ जाए, तो ये बेटा होते हैं अपने पॉलीनोमियल फंक्शन। पॉलीनोमियल फंक्शन का मतलब बच्चों होता है बहुपदीय फलन, और हमेशा ये ध्यान रखना कि बहुपदीय फलन हमेशा वास्तविक संख्याओं पर सतत होते हैं। तो आप देख रहे हो ये भी x की पावर n टाइप का है, तो ये भी 100% जब हम निकालेंगे तो सतत ही होगा,
क्लियर। तो यहां हमेशा ध्यान रखना बहुपदी फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे निकालोगे। तो वही बात है, कोई ज्यादा विशेष काम तो है नहीं, है ना। एफ ऑफ ए आर एच एल एंड एल एच एल। चलिए भाई, एफ ऑफ ए कितनी है बच्चों, ये रही एक्स की वैल्यू, एन दी है ना, तो यही ए की वैल्यू है। और एफ ऑफ एन, एक्स की जगह एन रख दो, एन की पावर एन। आपको पता है बेटा, कोई भी नेचुरल नंबर आप जैसे लेके देखो, तो अगर नेचुरल पर नेचुरल होगा तो वो वास्तविक ही आएगा। जैसे मान लो 2 की पावर 2 है, या 4 की पावर 4 है, या मान लो 3 की पावर 3 है, ये सभी रियल नंबर ही होते हैं। और ये ध्यान रहे, जब रियल नंबर आता है तो वो हमें स्वीकार है। क्लियर। तो ये एफ ओ पे आ गया, जो कि कोई दिक्कत नहीं, अपने को एक्सेप्ट है। आर एच एल का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को मालूम ही है, एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये कितनी है बेटा, ये रही आपकी एम प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एन प्लस एच। तो ये एन प्लस एच को आप कहाँ ले जा सकते हो, यहाँ एक्स की जगह पर। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एन प्लस एच की होल पावर एन, या एच जीरो में जाएगा तो क्या होगा, एन की पावर एन। तो दोनों वैल्यू इक्वल है बेटा। एल एच एल का क्या फॉर्मूला है, एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। तो एक ही वैल्यू बच्चों क्या है, एन है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, तो एक ही वैल्यू बच्चों क्या है, एक ही एन है। अब ये एन माइनस एच को आप कहाँ रख दोगे, हर बार की तरह एक्स की जगह पर। चलिए एक्स की पावर एन है, तो आपका हो जाएगा एन माइनस एच की पावर एन। अब लिमिट लगाओगे तो एच तो जीरो में जाएगा, यहाँ बचेगा एन की पावर एन। तो ये आप देख सकते हो तीनों इक्वल हैं, और तीनों इक्वल हैं बच्चों तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, सतत यानी कंटिन्यूअस, है ना। आपने देखा बिल्कुल ही ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो कि फंक्शन एक्स, ये तो तब लेना है जब वन या वन से छोटी वैल्यू हो, और वन से बड़ी वैल्यू हो तो 5 लेना है। अब ये कह रहा है ये आपको एक्स जीरो जीरो वन और टू पे चेक करना है, प्रूव नहीं करना है। ये कह रहा है क्या, यानी इन तीनों पे हो सकता है ये सतत भी हो या असतत भी हो, जो भी है। यानी इस क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे बच्चों। पहले तो पार्ट में हम एक्स इक्वल जीरो पर चर्चा करेंगे, फिर इसके पार्ट 2 में बच्चों हम एक्स इक्वल वन पर चर्चा करेंगे, और इसके पार्ट 3 में अपन बच्चों एक्स इक्वल टू पर बात करेंगे। यही बात है ना। चलिए देख लेते हैं अब इसको कैसे क्या है। देखिए एक्स इक्वल जीरो पर कैसे करोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है 3 वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ ए आर एच एल एंड एल एच एल। और तीनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए बच्चों, सेम आनी चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए यहाँ पर ये देखो बच्चों, ए की वैल्यू क्या दी है, 0। चलिए ठीक है, अब एक्स की, अब ए की जगह 0 है, तो 0 कहाँ रखोगे, एक्स की जगह पर। आप ये देखो कि 0 कैसी वैल्यू है, 1 से छोटी, यानी एक्स लेस देन 1 में आप जाओगे। यहाँ वो कह रहा है एक्स है, तो एक्स की जगह ये 0 रख दो, तो एफ ऑफ 0 का मान तो आ गया 0। ये तो एफ ऑफ ए हो गया, यानी एक पार्ट क्लियर हो गया, स्टेप 1। अब आर एच एल, आर एच एल का फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों, एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहाँ बच्चों बताओ आप किस पर चेक कर रहे हो, एक्स इक्वल जीरो पर, यानी ए की वैल्यू 0 रखनी है आपको। 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ए की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 प्लस h तो h होगा। अब आप कहोगे सर h का पता कैसे चलेगा कि ये 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। देखिए h के बारे में मैं बता दूं, ये बेटा एक आंशिक मान होता है, पार्शियल वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से तो ज़्यादा होती है और 1 से कम, ये हमेशा आप ध्यान रखना। तो यहाँ आप देख सकते हो जब h की वैल्यू 1 से कम है तो x लेस देन 1 का अपन चुनाव करेंगे, और इस x में ये वैल्यू ब्रैकेट वाली रखेंगे। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू कितनी है, h, इसको x की जगह रख दो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच को एक्स की जगह यहाँ रखोगे एच, या लिमिट लगाएंगे तो एच तो 0 में गया, तो
तो आपका देख सकते हो एफ ओफ ए भी जीरो आ गई, आर एच एल भी जीरो आ गई। अब बात किसकी है, एल एच एल की। एफ ओफ ए माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ओफ ए माइनस एच। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, जीरो। जीरो माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ जीरो माइनस एच। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर, अब एक सेकेंड यहाँ देखिए, यहाँ पे समझना थोड़ा सा ध्यान से है ना। देखो यहाँ पर, हाँ अब ठीक है। देखो ये जीरो माइनस एच बच्चों क्या होता है, माइनस एच। तो माइनस की जो वैल्यू होती है आप जानते हो ये वन से हमेशा कम ही होती है, तो ये भी लेस देन वन में जाएगी, यानी इस एक्स में ये वैल्यू रखनी है। चलो एक्स की जगह क्या रखना है बच्चों, माइनस एच रखना है। एक्स की जगह माइनस एच कैसे रखोगे बताओ, एक्स की जगह माइनस एच। तो यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस एच रख दो और लिमिट लगाओगे तो एच तो जीरो हो गया। आप देख रहे हो जीरो जीरो जीरो, यानी यहाँ फंक्शन आ गया कंटिन्यूस, यानी फलन एक्स बराबर जीरो पर निकला सतत। अब किस पर चेक करना है बच्चों, एक्स बराबर वन पर चेक करना है ना। देखो आप देख रहे हो सारे पार्ट में एक तरफ से, इसीलिए बच्चों आपको करा रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। यहाँ पर अब एक चीज़ देखना ध्यान से, वन पर, और वन यहाँ भी लिखा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब मैं एल एच एल लूँगा तो वहाँ एल एच एल हमेशा वन से कम होती है, वन से कम होगी वो तो लेस देन में जाएगी, लेकिन जब आर एच एल लूँगा तो वन से ज़्यादा बढ़ेगी तो वो इसमें आएगी। अब यहाँ थोड़ा झंझट है, इसलिए देखना ढंग से। पहले चर्चा एफ ओ ए की, तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, वन। तो फिक्स वन देखो, फिक्स वन न कम न ज़्यादा, फिर फिक्स वन का चिन्ह ये रहा आपका। तो यानी इस फंक्शन को अपने को लेना है, तो इसमें जब मैं एक्स की वैल्यू वन रखूँगा तो आपका एफ ओ वन क्या हो गया, वन हो गया। यहाँ आप एक्स इक्वल बात करेंगे किसकी, ये सॉरी आर एच एल को ले लेते हैं। चलिए आर एच एल, आर एच एल का फॉर्मूला क्या है बेटा, एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहाँ आप देखिए एफ ऑफ ए प्लस जीरो, ए कितना बच्चों, ए रहा वन, वन प्लस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ए कितना है यहाँ, वन, तो ये आपका वन प्लस एच हो गया। अब आप देख सकते हो कि वन प्लस एच कैसी वैल्यू है, वन में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू वन से ज़्यादा है। तो वन से ज़्यादा है बच्चों तो इसमें आएगी ग्रेटर देन वन में, किस में आएगी, ग्रेटर देन वन में, है ना। तो चलिए ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, आप देख रहे हो वन प्लस एच को मैं नीचे रखूँगा जब पाँच में, तो पाँच में तो ये रख नहीं जा सकती, क्योंकि ये वैल्यू किसकी जगह रखी जाती है, ब्रैकेट वाली एक्स की जगह पर, तो यहाँ एक्स तो है नहीं, तो पाँच ही आ जाएगा। अब लिमिट भी इसमें नहीं लगेगी क्योंकि एच नहीं है, तो फाइव आ जाएगा। क्लियर बच्चों, अब आप यहाँ देख सकती हो कि एफ ओफ ए की वैल्यू तो वन थी और आर एच एल की वैल्यू फाइव आ रही है, तो अब आपको एल एच एल निकालने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, और ये फंक्शन हो गया कंटिन्यूस, है ना, ए सतत। अब देखो मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तो एक चीज़ बताई थी कि कोई फंक्शन किसी मान पर तो सतत हो सकता है जबकि दूसरे पर असतत, तो ये कोई गारंटी नहीं होती है कि फंक्शन अगर एक बार सतत आ गया तो अब वो दूसरी वैल्यू पर सतत ही रहेगा, दूसरी पर असतत हो सकता है। चलिए ठीक है, अब पार्ट थ्री एक्स इक्वल टू पर बात करेंगे। किस पर बेटा, एक्स इक्वल टू पर। चलिए ठीक है, तो वही तीन वैल्यू बेटा फिर से निकालनी है, कौन कौन सी बच्चों, कौन कौन सी निकालनी है। पहले तो एफ ऑफ ए निकालनी है आपको, एफ ऑफ ए निकालनी है ना। बताओ एफ ऑफ ए के लिए कौन से फंक्शन को लोगे, हाँ बताओ बच्चों एफ ऑफ ए के लिए आप किस फंक्शन को लोगे। तो एक्स इक्वल टू, टू तो आप ये देखो वन से ज़्यादा है, तो एक्स ग्रेटर देन वन को लोगे, यानी फाइव आ गया। जैसे ही आप टू ले रहे हो एक की जगह तो इसकी वैल्यू फाइव आ गई, आपको कुछ नहीं करना है। आर एच एल का फॉर्मूला डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, अब तो ये आपको याद भी हो गया होगा बच्चों, है ना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ओ पे प्लस एच। अब कई बच्चे क्या इसको नया फॉर्मूला समझ रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसे फॉर्मूले खूब बेटा इलेवेंथ में पढ़े हैं,
LHLV RHLV 13 चैप्टर है ना जो अपना 11th का अवकलन, उसमें बिल्कुल यही दे रखा है। एफ ऑफ ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, ए की वैल्यू ये रही 2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 + h। अब आप ये देखो 2 + h कैसा मान है बेटा, 2 से ज़्यादा, तो ये भी ग्रेटर देन 1 में ही जाएगा और ये भी आंसर 5 ही ले आएगा, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे LHL पर, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, यही होती बेटा LHL। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की 2 है, ये 2 पर ही तो जांच कर रहे हो ना, 2 - 0, ध्यान देना लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 - h। तो ये बच्चों 2 - h कैसा मान है बता दो जल्दी, 2 - h ये 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है तो कहाँ जाएगा बताइए, लेस देन 1 में, नहीं सॉरी 2 - h। अब यहाँ देखो कई बार गड़बड़ होती, बच्चे सोचते हैं ये 2 - h कहाँ होगा, यहाँ मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लो ये है 0, ये है 1 और ये है 2, सपोज दैट ये है 3, तो 2 - h जो होगा बेटा वो 2 और 1 के बीच में होगा, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि 1 से तो ज़्यादा ही है, ये 1 से तो ज़्यादा ही है ना, क्योंकि 1 के इधर है, राइट साइड में है, संख्या रेखा में जो राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है, तो इसका मतलब 2 - h 1 से ज़्यादा है। तो अगर 2 - h 1 से ज़्यादा है तो आप किसका चुनाव करोगे, ग्रेटर देन 1 का, और ग्रेटर देन 1 में डायरेक्ट आंसर 5 है, लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि h नहीं है। आप देख रहे हो 5 5 5, यानी x इक्वल टू पर फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस सतत। तो आप देख रहे हो ये फलन जो है वो 0 पर और 2 पर तो आया सतत, जबकि 1 पर आया असतत। क्लियर, हमेशा ध्यान रखो कोई भी फंक्शन को सबसे ज़्यादा खतरा उसी वैल्यू पर है जहाँ पर वो पार्शियल डिवाइडेशन हो रहा है। पार्शियल डिवाइडेशन का मतलब होता है जब कोई फलन किसी वैल्यू के लिए 2 या 3 फलनों में बटता है, जैसे आप देख रहे हो 1 के लिए ये डिवाइड हो रहा है 2 भागों में, है ना इस तरीके से। जबकि आपने देखा 0 पर एफ ओ पे भी इसी में से आया, RHL भी इसी में से आया और LHL भी इसी में से आया, तो जब तीनों वैल्यू एक ही फंक्शन में से आती हैं तो उसके कंटिन्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा जब 2 मैंने लिया तो 2 जो है 2 पर एफ ऑफ ए, RHL और LHL ये तीनों इसमें आए, इसमें, तो फिर से बात वही है कि जब तीनों वैल्यू एक ही फंक्शन में जाती हैं तो उसके कंटिन्यूस के चांस बढ़ जाते हैं। जबकि आपने 1 पर क्या देखा कि 1 पर एफ ऑफ ए तो आया ऊपर जबकि RHL आ गया नीचे, और जब कोई 2 अलग अलग फंक्शन एक ही पार्ट में आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना उसकी डिसकंटिन्यूस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये एक मोटा मोटा तरीका है किसी कंपटीशन में चीज़ों को जानने का। क्लियर स्टूडेंट, तो ये थी पिक्चर आपकी चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 1 की। तो आज हमने क्या क्या चर्चा करी बच्चों, आज क्या क्या चर्चा करी, एक तो बेटा बेसिक कंसेप्ट की चर्चा करी अपन ने, दूसरा हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की 1 - 5 की, ठीक है ना इस तरीके से। कल के पार्ट में अपन 6 - 15 यानी 10 बढ़िया क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। सारे बच्चे डेली नोट्स बनाएं और रेगुलर क्लास अटेंड करें बेटा, रेगुलर, और बाकी बच्चों को भी वीडियो एक बार शेयर कर दें। कोई बच्चा नया इस वीडियो को देख रहा है तो बेटा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा प्लेलिस्ट के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं इसी वीडियो के, वहाँ अलग अलग क्लासेज और शॉर्ट ट्रिक्स की प्लेलिस्ट दी हुई हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके नई नई कंसेप्ट सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।